हेलो दोस्तों, मैं संतो कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है राज संतो कुमार। तो दोस्तों, हम लोग देखने वाले हम लोग हैं आज की 6 इंच जॉइंट SS जॉइंट को कैसे वेल्डिंग किया जाता है और कैसे वेल्डिंग करते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग का जॉइंट है, जो जॉइंट को अब हम लोग इसको थोड़ा टेप निकाल दे रहा हूँ और आपको अच्छा दिखाता हूँ जॉइंट को कैसा जॉइंट दिखता है। देखिए ऐसा जॉइंट है, जॉइंट अच्छा है, कोई दिक्कत जॉइंट पे नहीं है। जॉइंट वेल्डिंग, इसे जॉइंट को वेल्डिंग करना हम लोग को है और सो देख सकते हैं कैसा जॉइंट दिख रहा है अभी। मतलब बहुत कम थिकनेस इसका है, 3.5 mm ओनली थिकनेस इसका है। तो मतलब 3 mm, दो ढाई तीन mm थिकनेस, ज़्यादा कोई थिकनेस नहीं होता है। और उसको वेल्डिंग करना मतलब थोड़ा टफ होता है, पर फिर भी ठीक है। 1.6 से वेल्डिंग हम लोग करते हैं इसको, और एक पास में नहीं होता है क्योंकि एक पास में हो जाएगा, मतलब रूट एक पास में रूट फिलअप हो जाएगा और उसके बाद में फिर दोबारा हम लोग इसको वो कैपिंग कर सकते हैं। पर इस पर ये गैस मोनीटर है, जो कि गैस मोनीटर अभी डाउन हो गया, कम हो गया, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे उसका रूट पूरा कम्प्लीट कर दिया हम लोगों ने। और इसका हम लोग इसका फिर फिलअप मारेंगे। इसका फिलअप मारने से पहले क्या होता है, रूट जब कम्प्लीट हो जाता है तो उस टाइम हम लोग उसको अच्छे से ग्रेडिंग कर देते हैं। ग्राइंडिंग करने से क्या होता है कि पूरा अच्छा से लेवल हो जाता है, जो है जहाँ कहीं कट कुट रहेगा वो सब कुछ अच्छा से मिक्सिंग हो जाएगा, लेवल हो जाएगा अच्छा से। और फिर इसको हम लोग इसको फिलअप मारेंगे। फिलअप मारने से और फिर से देखिए, अभी जो अपने पर्चिंग इसमें दिया हुआ है 55 है 55 0 है, वो हो जाएगा तो हम लोग उसको वेल्डिंग शुरू करते हैं। तो जस्ट अभी गैस को हम लोग बंद किए थे, फिर वापस गैस को तो खोले हैं, तो इसके लिए 55 है और धीरे धीरे करके 0 हो जाएगा वो, तो इसी हिसाब से। और ये फ्लैप डिस्क अभी मारा रहा है जॉइंट पे, फ्लैप डिस्क कैसा होता है तो देख सकते हैं। फ्लैप डिस्क से मतलब फ्लैप डिस्क उसी काम के लिए फ्लैप डिस्क यूज़ किया जाता है, जिस काम के लिए मतलब पूरा पाइप जो हम लोग का पूरा लेवल हो जाए अच्छा से, पूरा जो उसका घिसाई पिटाई होता है वो अच्छा से हो जाए। इसके लिए मतलब प्लेन करने हम लोगों ने प्लेन किया हुआ है, अच्छा से प्लेन कर दिया है और यहाँ पर इसका कैपिंग शुरू कर दी हम लोगों ने। इसका फिलअप भी किया था पर फिलअप का वीडियो मैंने नहीं दिखा पाया मैं, उसके लिए से अभी इसका हम लोग कैपिंग से शुरू कर दिए हैं। तो देख सकते हैं इसमें अभी थोड़ा अच्छे से प्लेन करके हम लोगों ने इसका ग्राइंडिंग करके इसको फिलअप मार दिए थे, और फिलअप मारने के बाद उसका ब्रश मार दिया और इसके यहाँ पर अभी जो इसका कैपिंग है वो शुरू हो चुका है, जिसको बोलते हैं फाइनल पास, वो अभी वेल्डिंग शुरू हो चुका है। तो देख सकते हैं मतलब पूरा अच्छे से जॉइंट को पूरा रेडी कर दिया गया और इसके बाद इसका कैपिंग हम लोगों ने शुरू किया। और अभी भी पर्चिंग हम लोगों ने डाल रखा है, पर्चिंग अभी भी हम लोगों ने इसको लगभग 20-20 दो सिलेंडर लगाए हुए हैं और इसमें दोनों को 20-20 हम लोगों ने खोल रखा है पर्चिंग को। तो देख सकते हैं कितना अच्छा से बिल्डिंग चल रहा है अभी। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोग को पूरा वीडियो में दिखाने वाला, मतलब पूरा वीडियो में आप लोग को मालूम पड़ेगा कैसे कैसे हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। और एक दोस्त का कमेंट भी आया था कि मूविंग कैसे क्या आता है, मूविंग करने का कितना तरीका होता है। तो मूविंग करने का बहुत सारा तरीका होता है मेरे दोस्त, क्योंकि मूविंग करने एक मूविंग मतलब एक आदमी की तरह से मूविंग नहीं करते। देखिए मैं यहाँ पे हूँ, मैं भी थोड़ा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे पास में बैठा हुआ हूँ मैं, तो इसके लिए मैं अपना वीडियो भी दिखा दे रहा हूँ मैं, कि ताकि मालूम पड़े यूट्यूब को कि हाँ भाई मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ। तो इसके लिए यूट्यूब का कोई वो ना लगे कि भाई कुछ गड़बड़ सड़बड़ है, क्योंकि मेरा चैनल है, मुझे ही काम करना होता है, मुझे मैं ही एडिटिंग करता हूँ, हर चीज़ मैं ही करता हूँ। तो इसके लिए और ये हमेशा जो मेरा जितना मेरा वीडियो बनता है, सभी वीडियो बनता है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो सभी में कुछ ना कुछ मतलब सिखाया जाता है, कुछ ना कुछ बताया जाता है इसके लिए ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही वीडियो बनता है मेरा, जितना वीडियो बनता है सब कुछ मतलब वेल्डिंग के बारे में सिखाता हूँ, फिटअप के बारे में सिखाता हूँ, तो मतलब ये एजुकेशन के ही लिए हो गया देखा जाए तो। इस तो इसके वजह से तो हम सीधे आते हैं टॉपिक पे अब। तो देखिए मूविंग करने का जो तरीका होता है, तो बहुत सारा तरीका मूविंग करने का होता है। जैसे देखिए ये जो मूविंग कर रहे हैं वो मूविंग होता है, कभी भी नीचे से मूविंग किया जाता है, इस तरह से मूविंग नीचे तक आया और यहाँ तक, अगर यहाँ तक मैं मूविंग कर दूँ अगर, तो मेरा टॉर्च फ्लक्स से मेरा टॉर्च स्लिप हो जाता है यहाँ से। तो इसके लिए भाई सबको अच्छा से मूविंग करना आता है, इसके लिए यहाँ से लोग उठा के मूविंग लेके जा रहे हैं और टॉप तक मूविंग लेके चले जाते हैं इसी पोजिशन में। पर मैं ऐसा मूविंग करने लगूँ अगर, तो मेरा टॉर्च लगभग 10 बार स्लिप हो जाएगा इतना देर में। तो मुझे बार बार मुझे हमेशा इसका पोजिशन चेंज करना पड़ता है। तो इनका भी एक अच्छा तरीका है मूविंग करने का, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी का मूविंग करने का अलग तरीका होता है। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि इसी पोजीशन को नीचे से उठाया जाएगा, मतलब कि जिस हाथ इसका ऊपर में है वो जो है अपना हाथ है
वो नीचे रहेगा, नीचे रहेगा आराम से, फिर मूविंग करके फिर आराम से उठ के जॉइंट मेल्टिंग हो जाएगा। तो दूसरा तरीका वो हो गया। और तीसरा तरीका क्या होता है कि साइड से ही, मतलब एक साइड में ले करके उसको एक साइड से, मतलब जब जगह कम है चाहे जगह ज़्यादा है उससे मतलब नहीं है, तो साइड में मतलब टॉर्च की रखेंगे और उस तरह से उसको मूविंग किया जाएगा। तो मैं किसी वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से कितना तरह का मूविंग होता है, किस तरह से मूविंग किया जाता है। तो वैसे वीडियो बना हुआ है मेरे पास में, लेकिन मैं वीडियो में डाला नहीं हूँ। मैं कभी मौका मिलेगा तो जरूर वीडियो डालूंगा मैं। और देखिए आप, आज के जो बिल्डर हैं वो अपना रमेश भाई हैं, रमेश प्रभु जी हैं। तो क्योंकि देखिए अभी कितना बढ़िया बिल्डिंग हुआ है, बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं, फिलअप भी ज़्यादा थोड़ा हाइट फिलअप है तो उसके लिए इतना बिल्डिंग किया गया है। देखिए ये पूरा जॉइंट को इसी मतलब मूविंग से मार लेंगे वो, क्योंकि लेकिन हमसे नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा मूविंग करने का जो तरीका है वो अलग है और इनका मूविंग करने का जो तरीका है वो अलग है। तो सभी का अपना अपना मूविंग करने का तरीका होता है, क्योंकि मुझे सब तरह का मूविंग करना तरीका है। एक ही तरीका हो गया मूविंग करने का तरीका। तो ये इसी तरीके से नीचे से मूविंग उठ सकता है, लेकिन ये भाई साहब यहाँ से ले उठाए, टॉप से उठाए यहाँ पर इस तरह का मूविंग। तो सभी लोग का अपना तरीका होता है मूविंग करने का, सभी लोग अपना तरीका होता है। पर दूसरा तरीका मूविंग है ये, पर ये भी मूविंग में कोई दिक्कत नहीं, ये भी मूविंग चलेगा, ऐसा मूविंग है ये भी। तो मैं पहले बता दिया हूँ आप लोगों को कि SS जॉइंट है, SS जॉइंट हम लोग को पूरा पर्चिंग दिया हुआ है, फुल पर्चिंग मतलब 20-20 पर्चिंग खोला हुआ है दो सिलेंडर में। तो अभी एक जॉइंट एक कंप्लीट हो गया, एक जॉइंट हम लोग का, लेकिन अब दूसरा जॉइंट में बिल्डिंग अभी शुरू करेंगे, दूसरा जॉइंट में अभी। तो यहाँ पे तीन जॉइंट है, तीन जॉइंट को थोड़ा दूर दूर जॉइंट है, तो इसके लिए इसको आराम से वेल्डिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। देखिए अभी फिर दूसरा जॉइंट के लिए वेल्डिंग अभी शुरू कर दिए। और ये मतलब इनका जो मूविंग करते हैं ये एक ही तरीके से लगभग मूविंग करते हैं हमेशा, उनको इसी तरह से मूविंग करने अच्छा लगता है, हो सकता है इसके लिए इसी तरह से मूविंग वो ज़्यादा करके किया जाता है, ज़्यादा करके करते हैं भाई साहब मूविंग। तो इसके लिए कोई भी आदमी किसी तरह से मूविंग करने से मतलब नहीं है, बस मूविंग होना चाहिए। देखिए ये यहाँ तो टॉप तक लेके आ गए हैं। वीडियो को क्या होता है, लगभग सभी जो मारने में लगभग 2-3 घंटा लगा है हम लोग को समय, पर मैं सोचता हूँ 10-15 मिनट में दिखा दूँ पूरा वीडियो। इसके लिए मैं कम से कम वीडियो को मैं कवर किया हुआ हूँ, क्योंकि जो मेन पार्ट्स है वो खाली कवर किया हूँ, बाकी सब पार्ट्स को निकाल दिया हूँ मैं इसमें से। क्योंकि मूविंग और पार्ट्स कटिंग करने के चक्कर में जो फिलअप करने का था वही पार्ट्स निकल गया, और पार्ट तो है किधर, तो अभी नहीं मिला मेरे को, इसके लिए डाला नहीं मैं इसमें। और वो वीडियो है कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा आपको, और इसमें तो नहीं मुझे दिखाई दिया क्योंकि मैं फुल वीडियो में छान मारा हूँ मैं, और मुझे कहीं दिखाई तो दिया नहीं इसमें। और यहाँ देखिए मैं ग्लास से आप लोग को दिखा रहा हूँ आप लोग को वेल्डिंग किस तरह से मूविंग कर रहे हैं। देखिए बीच सेंटर में फिलर रखे हुए कोई भी सेंटर में फिलर रखता है, और उसके बाद दोनों साइड में रोका जाता है, मतलब जब कैपिंग करना हुआ तो। लेकिन वैसे बहुत फास्ट टॉर्च चल रहा है इनका, देखिए बहुत कितना फास्ट टॉर्च चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ कहीं हो सकता है, थोड़ा आराम से मूविंग करके जाएंगे अगर तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, अच्छा से आराम से फिर दोनों साइड मेल्टिंग होकर निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कंटिन्यू भाई सब मूविंग करते जा रहे हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पे टॉर्च जो है वहाँ पे बंद हो गया, मतलब कि यहाँ पे एक जॉइंट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे दो जॉइंट कंप्लीट कर दिया गया, दो जॉइंट यहाँ पे पूरा फाइनल हो गया। तो एक जॉइंट और है, तो उसके लिए बोले थे कि भाई एक जॉइंट आप मार दिए, मैं बोला नहीं आप ही मार लिए पूरा जॉइंट, तो एक साइड हो लगता है मुझे, हाँ एक साइड बचा हुआ है दोस्तों, अभी तो बचा हुआ है। तो फाइनली हम लोग जब कंप्लीट हो जाएगा तब मिलते हैं आपसे। देखिए दोस्तों अभी जो जॉइंट जो हम लोग है पूरा फाइनल जॉइंट हो गया, पूरा कंप्लीट जॉइंट हो गया, बफिंग मार करके रेडी करके पूरा जॉइंट को ठंडा उल्टा करके पूरा हम लोगों ने इसका निकाल दिया था कुछ इसका, अच्छा से इसका हम लोगों ने पूरा बफिंग मार करके पूरा जॉइंट को कंप्लीट कर दिया गया है। तो रोड फिलअप कैपिंग सब कुछ कंप्लीट हो गया अभी जॉइंट को, अभी हम लोग आगे जॉइंट है, एक जॉइंट आगे दो जॉइंट है उसको हम लोग अभी निकालेंगे। देखिए पूरा गर्म जॉइंट है अभी, इतना गर्म है कि मतलब हाथ नहीं उस पर रख पा रहे हैं, इतना ज़्यादा गर्म है ये। तो आप लोग दोस्तों यहाँ तक आ गए होंगे, जरूर वीडियो को लाइक करके जाइए, और वीडियो को अच्छा लगा जरूर वीडियो को जरूर वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिसके पास जिनका ज़रूरत हो वीडियो का तो उसको जरूर उसके पास शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि ऐसा वीडियो उसके पास भी हमेशा जाता रहे, और उसको वो भी कहीं कुछ काम सीखे और काम से करके विदेश में आ सके चाहे कहीं भी काम कर सके, मतलब
ऐसे ही मतलब कुछ भी ऐसे भी फालतू ना घूमे और कुछ ना कुछ काम से करके आराम से कहीं विदेश में आ जाए, कहीं भी आकर आराम से कुछ कुछ पैसा कमाए, तो उसमें सभी लोग का भलाई उसमें होगा, अपने घर के परिवार का अच्छे से घर परिवार चल सकता है सभी लोग का। तो देखिए पूरा वर्कशॉप हम लोग का है ये, और यहाँ पे हम लोग का 3 जॉइंट यहाँ कम्प्लीट हो गया और 2 जॉइंट इसी पाइप में आगे है। तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो वो भी आ जाए, क्योंकि अभी कल का टाइम बचा हुआ है और यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मेरा भी जॉब, मेरा भी यहाँ पे काम चल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइम में स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ फोटो, ताकि आप लोगों को मालूम पड़े कि हाँ भाई मैं भी यहाँ पे हूँ। तो रविश भाई पूरा रेडी हो गए हैं अभी, देखिए कितना ज़्यादा गर्मी है, पूरा भीज गया हम लोग, दोस्तों भिजा हुआ हम लोग का है, इतना ज़्यादा गर्मी यहाँ पर चल रहा है। तो ओके दोस्तों, आई होप वीडियो को अच्छा लगा हो, वीडियो को अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों में, शेयर कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग हमेशा मिलते रहेगा, आप लोग हमेशा हमेशा आपके पास आते रहेगा वीडियो।